सब लोग तो बैठ गए, अब क्या कह रहा हूं यार मैं, क्या बात करते हैं। बल शादी की बात है तो सबसे पहले अर्ज किया है। नहीं सर, देखो कहां से, अभी से जाओ वरमालाएं ले आओ पहले तुम। एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जोरदार तालियां हो जाए और फिर हम वील यू नो हैव दिस वरमाला का। अच्छा रुको यार, एक पंगा है, ऐसे नहीं हो सकता है। यू हैव सम फ्रेंड्स यहाँ पे, वो दिल्ली वाले मामा जी का बेटा बुरा मान जाएगा, उसको बुला लो, और मौसी का बेटा भी आया उनको भी बुला लो। अरे रंजन भैया उनकी साइड पे कैसे पहुंच गए? हाँ यार, नहीं अच्छा आप आइए, आप भी आ जाइए, आप इनकी साइड से आइए, प्लीज आइए। तालिया। फुल शादी की फील में आ गई, मतलब अभी कंगना उंगना खिला के रहोगी है। चलिए ओनली दुल्हा दुल्हन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड विथ योर काइंड परमिशन आफ्टर दिस फैंटाबुलस कह सकते हैं राजकुमार राव टैलेंट एंड बियॉन्ड। आपको तो सर टैगलाइन मिलनी, जिस हिसाब से इस पूरे साल आपने धमाल मचाया एंड ऑफिशियली टायर कमाल की टीम, वील स्टार्ट विद द कैप्टन ऑफ द शिप। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो हम रिलेट कर लेते हैं, यार ये ना हमारे साथ भी हो सकता था। तो इसमें खुद कितनी बार ऐसा हुआ है कि झूठे कपों से चाय पी है, बता दो आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट थैंक टू कलीम भाई जी, जो ये मेरे पास स्क्रिप्ट को लेके आए, और जिस दिन मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया फ्रंट ऑफ रत्ना जी कि आई एम मेकिंग दिस फिल्म। लास्ट दो साल से स्क्रिप्ट पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी, कोई किसी ने इसको बैक नहीं किया, बट जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी मैंने बोला आई वांट टू दिस फिल्म। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं वो हमारी कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले गली की कहानियाँ रही हैं। हमारा बचपन भी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में रहा है, तो जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है वो इसी तरह की माहौल में रही है। तो हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं जो भी फिल्म बनाऊं कम से कम पहले मुझे अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप में कॉमन मैन देखता हूं, उसी तरह की फिल्मों की स्क्रिप्ट को चूज करता हूं जो सबके कॉमन मैन को अच्छी लगे। दैट्स व्हाई आई चूज दिस स्क्रिप्ट। अमेजिंग, पता लगे थोड़ा हम भी सीख लें, कब पता लगे कि यार वो लड़का या लड़की है ना, द पर्सन इज यू नो एक्चुअली फॉलोइंग फॉर यू। कौन कौन से ऐसे साइंस लगते हैं? जिस दिन वो आपको अपना कप पीने की अनुमति दे दे कि आप मेरे कप से कॉफी पी सकते हैं, सॉरी काफी पी सकते हैं, उस दिन समझ आना चाहिए कि हाँ शायद बात बन सकती है। राइट फॉर यू? No, not the cup. There's so many more moments in the film that I want to talk about, but I cannot. I mean, that'll give away a lot of the movie. I don't want to do that. But having said that, I think jab koi aapki taraf aise dekhe jis tarah Sattu Aarti ko dekhta hai, you just know that it's true love and it's meant to be. Yahan pe jitni aankhein hai na, sabko waisi, aapko waisi dekh rahi hai. Ye mujhe bhi yaad nahi kab sign ki thi. par haan, main last year jo tha wo sirf Aligarh ko was the only film that released, तो उसमें last year पूरा shoot ही कर रहा था, तो उसी दौरान इन्हों बरेली और trapped और शादी में ज़रूर आना, ये सब films मैंने shoot की, तो हाँ उसी मतलब मैं एक वक्त में एक ही film करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ film में थोड़ा अलग look भी रहे, तो ये भी I think कब हमने की थी, November October okay हाँ तो तभी की थी। मैं आज सोचा था कि आप लोग अगर कहानी पूछेंगे तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, क्योंकि इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं कि कुछ और ना बोलने लग जाऊं कि हाँ एक लड़के की कहानी है जो बिल्डिंग में फंस जाता है, और अरे नहीं ये बोली नहीं है ये कुछ। अच्छा शादी में जरूर आना की बात कर रहे हैं हम, वो यूपी तो क्योंकि मैंने बरेली की है, उसके पहले बहनों की तेरी है, ये भी यूपी बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा अलग एक्सेंट है, बरेली में बहुत हार्ड कॉर था और बहनों की तेरी में भी एक अलग एक थोड़ा सिटी का एक्सेंट था, तो ये जो है एक कानपुर लखनऊ का एक एक्सेंट है, और जैसे आपने देखा कैरेक्टर चेंज भी होता है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका एक बहुत ही फिर एक मॉडर्न सिटी का जो एक लैंग्वेज होता है, एक बोलने का तरीका होता है, सो दैट इज देयर। नहीं वो राइटिंग में था, वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी था, बट ये है कि ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर था सेकंड हाफ का, ही समबडी हु इज इन लाइक इन सिविल सर्विसेज, तो मैं काफ़ी लोगों से मिला, मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी जो सिविल सर्विसेज में हैं, उनसे मैंने बातचीत की, क्योंकि बहुत बहुत पढ़ाई करनी होती है सिविल सर्विसेज के लिए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैंने उनके थ्रू जाना कि हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द ड्यूटीज दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ, तो उनके थ्रू मैंने काफ़ी अपनी रिसर्च पे हेल्प ली। आई मीन जब आप नहीं बट
दैट्स आई थिंक वो एक अलग ही रीज़न था जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी. इतने प्यार से लिखा हुआ था और जिस तरह से रत्ना मैम ने ये नरेट करके मुझे बताया था, मुझे जेन्यूनली सत्तू और आरती से प्यार हो गया था. तो फॉर मी इट वॉज, मैंने कहा रियल लाइफ में तो होने से रहा, ऐसे ही कर लेते हैं. अरे बहुत लोग हैं, तुम बोलो एक बार, सब कॉफी खरीद लेंगे. So how does yeah, it man, feel? Karma, man, it comes back. Bites you like a bitch. Karma is the, yeah, yeah, trust me, it comes back. Nobody who made me feel that's the reason she survived and she's here. Rajkumar, mera sawal aapse. Yeah, we call her Gabbar on set. We used to call her Gabbar on set. Coffee to bahut peeche reh gayi. Bahut kuch exchange. Arre, matlab 32 saal ke ho gaye, abhi bhi coffee exchange karte rahenge. बट आई थिंक दीज आर वेरी क्यूट मोमेंट्स. और ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो स्पेशली छोटे शहरों में बहुत मिलते हैं, यू नो, और हमारा हिंदुस्तान छोटे शहरों में ही बसता है. तो मैंने भी जब, यू नो, व्हेन आई वाज लाइक ग्रोइंग अप इन गुड़गांव, आई वाज इन माय स्कूल, माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड और कॉलेज, तो हम लोग के लिए भी बहुत सारे ऐसे बहुत क्यूट मोमेंट्स होते थे जहाँ पे अगर चलते चलते अगर हल्की सी उंगली भी टच हो जाए तो मतलब आपका एक हफ्ता बहुत आराम से निकल जाएगा कि आज मैंने उंगली टच कर ली है. हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है. आई टोटली बिलीव इन अरेंज मैरिज. आई थिंक ईच टू हिज ओन, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई थी और वो लोग बहुत खुश रहे हमेशा. बट आई थिंक एक फ्रीडम होना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए अरेंज मैरिज के लिए. इफ यू लाइक समबडी, इफ यू फील दैट देयर इज दैट कंपैटिबिलिटी, यू शेयर, देन डेफिनेटली. बट आई थिंक एवरीबडी हैज अ फ्रीडम टू चूज देयर ओन पार्टनर्स. फिल्मों में इतनी शादियाँ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है शादी करने का. तो ऑलरेडी और बहुत, मतलब शादी इज सच अ बिग फेस्टिवल ना, इट्स लाइक मेकिंग 3 फिल्म्स, नॉट इवन 1. तो बहुत बहुत काम है, उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा. नहीं सर, ये हरियाणा की फिल्म नहीं है, दिस फिल्म इज बेस्ड इन यूपी. ये नहीं है, लेकिन मैं आपसे पर्सनल, मतलब ये नहीं, मैंने किया हमेशा जितना मैं कर सकता हूँ. सिटी लाइट्स में राजस्थानी जितनी कर सकता था, कायपोछे में गुजराती, बट ये भी हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं. तो अगर मैं एकदम ही उसको लाइक आई वुड लव टू ऑफकोर्स बी टोटली इन द लैंग्वेज, पर ये कि बहुत लोगों पर समझ नहीं आएगी सर, ये एक थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है. तो ऑफकोर्स आई ट्राई एंड पिक अप द एक्सेंट जितना मैं कर सकता हूँ कि शायद कि वो जबान भी लगे उस प्रांत की, पर लोगों तक पहुंचे भी, लोगों को समझ भी आए. इट्स नॉट अ रीजनल फिल्म. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल सर, बहुत अच्छी बात है. आई वुड लव टू प्ले बैचलर्स ऑल माय लाइफ, मतलब मुझे कोई उसमें कोई शिकायत नहीं है. इट वाज ओके, आई लव दिस बॉय, ही हैज बीन एन अमेजिंग कोस्टा. आई थिंक राज के साथ काम करके एक अलग तरह की एक सेटिस्फैक्शन मिली है मुझे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें चुना गया सत्तू और आरती प्ले करने के लिए. आई कुड नेव आस्क फॉर अ बेटर को एक्टर. हाय राजकुमार. मैंने मुक्ति भवन देखी, मुझे उसमें आदिल सर का काम बहुत अच्छा लगा. मुझे हिंदी मीडियम में इरफान सर और दीपक दोनों का काम बहुत अच्छा लगा. और भी काफ़ी फिल्म्स हैं, पर अभी इस वक्त मुझे फिलहाल यही दो याद आ रही हैं. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पद्मावती. आई थिंक जो जिस तरह ट्रेलर आया है और जो यू नो कास्ट दिख रही है, परफॉर्मेंस दिख रही है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ अपने पंडित को दिखाने को कि ये कृति नाम का प्लैनेट क्यों मेरे आसपास क्यों इतना घूम रहा है, वो पता करना पड़ेगा कुछ. आई थिंक कुछ चक्कर है. नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ. कृति मतलब यू नो क्रिएटिंग समथिंग न्यू, सो अच्छा है कुछ क्रिएट होता रहे नया हर फिल्म के साथ. ही हैड टू से सम गुड थिंग्स ना यहाँ पे. अभी जिस गुस्सा दिखा रहा मैं देख रहा था. आई टोटली लव डांसिंग, मतलब मैं मुझे बहुत कम मौका मिलता है, बट माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज एक्चुअली स्टार्टेड विद डांसिंग. आई हैव ऑलवेज बीन अ डांसर, बट द डे एक्टिंग यू नो आई चोज टू बी एन एक्टर, वो डांस ने थोड़ा एक बैकफुट ले लिया था. But whenever I get an opportunity, I totally enjoy it. I have no qualms or no complaints dancing on screen. और शादी का I want to add to that. जब हम लोग शूट कर रहे थे तो राज जो बड़े ही रंगीन आदमी हैं इनको डांसिंग का जेन्यूनली बड़ा शौक है. तो एक बार मेरी वैन में ना हमेशा डिस्को पार्टी चलती रही. आई हैव अ ह्यूज गर्ल गैंग, माई एंटायर टीम एंड रत्ना मैम. सो एक दिन शूट चल रहा था एंड आई हैव कॉल्ड रत्ना मैम एंड आई हैव पैनिक्ड एंड सर आप मेरी वैन में आओ अभी के अभी. क्या हो गया, क्यों रो रही है? आई वाज प्रिटेंडिंग टू क्राई ऑब्वियसली. शी कम्स इन एंड दिस ब्लेयरिंग म्यूजिक, इट्स 10 इन द नाइट, आई एम लाइक आई एम वेरी टायर्ड, आई वांट टू डांस. देन वी कॉल राज, अली चल आ जा, एंड वी हैव डांस्ड टू चने के खेत में चोली के पीछे क्या है लाइक एंड आई थिंक टुडे फॉर देम यू हैव टू डू द सत्तू स्टेप. Come on. Yeah, so though I'm a like I can dance, but in the film the character Sattu he doesn't dance. Usko beats ka koi idea hi nahi hai. So there are so many scenes in the film jahan pe ye bahut acha dance karti hai aarti aur ye Sattu ko bhi khinch lati hai ki Sattu dance karo aur Sattu bechara bas apna kuch kuch. 1 2 3 go. No the other one. Wo ekdam ghati barati dance karta rehta hai. So that's the Sattu step in the movie. Yes sir, I've started shooting for fun. So how is it working with the world's most beautiful woman, Aishwarya Rai?
I still have to start working with her, though we've had her workshops and reading sessions. But I've started working with Anil sir, and it's a great experience, sir. It's a beautiful script. There's a wonderful vibe around the whole film, and I'm thoroughly enjoying the experience. What about the chemistry that we will get to see between you and Aishwarya? I think it will be H2SO plus C2 plus. Also, what is that's the kind a of very bad with that Kharbanda formula? I'm sure, like there'll be there's a love angle between us. And I'm really looking forward to it, though I'm a little nervous and excited as well, because you know you have to romance world's most beautiful woman, but it will come very naturally, I'm sure. Also, what is the kind of preparation that you're doing for Oscars? So yeah, we have a plan in place, and we'll be going to US to promote it, and it's a battle, it's a big fight, it's not an easy task. So, but we have a plan in place. We'll share it with you. A battle ensued here. Turkey, sir ne bola. इसका जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी स्क्रिप्ट है और एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत कुछ था करने को यू नो जैसा आपने देखा वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बहुत डिफरेंट है हालांकि बरेली में भी बहुत डिफरेंट था बट दिस इज इवन डिफरेंट देन बरेली एंड ऑफ कोर्स कृति खरबंदा द मेन रीजन या एंड रत्ना सिन्हा जी द अनदर मेन रीजन ओके एंड विनोद एंड द होल टीम एंड फॉर द लव ऑफ फॉर सिनेमा No, but the content, I think the script was so beautiful. I read it and I just fell in love with the script. I thought this is something which I should definitely try. मतलब बाराती डांस बहुत भर भर के एक पूरा सीक्वेंस है बारात का जहाँ पे आप सबको लगेगा कि ये तो मेरी गली की बारात है ऐसी तो नाचते हैं हम बस यही पूछना फाड़ू नाचे हम लोग हाँ जी फाड़ू नाचे फाड़ू हैशटैग फाड़ू नाच I want to thank to Ballu ji who did a lot. बहुत अच्छी तरीके से edit किया है. और of course credit goes to Ratna ji के मुरे में